देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, खासकर देश की महिलाएं उन्हें पहचान गई होंगी। इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने सैकड़ों महिलाओं का यौन शोषण किया है, और यही नहीं, कहा जाता है कि अलग अलग पेनड्राइव में इसके कुकर्मों के 2500 से ज्यादा वीडियोस मिले हैं। खुद पर लगे आरोपों के बाद हासन सीट से चुनाव लड़ रहा प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया था। करीब 4 हफ्ते के बाद वो भारत लौटा तो उसे बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो कई मायनों में खास है। प्रज्वल रेवन्ना को CISF जवानों की मदद से एयरपोर्ट से बाहर लाया गया था। एयरपोर्ट के बाहर प्रज्वल की गिरफ्तारी के लिए 2 महिला IPS अधिकारियों की टीम इंतजार कर रही थी। इन महिला पुलिसकर्मियों ने प्रज्वल को गिरफ्तार किया, फिर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गईं। आप देख रहे होंगे कि पुलिस वैन में आगे सीट पर एक महिला पुलिस अधिकारी बैठी है, बीच वाली सीट पर प्रज्वल रेवन्ना बैठा है और इसके अगल बगल भी 2 महिला पुलिसकर्मी बैठी है। एक खास मकसद से प्रज्वल को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। प्रज्वल पर सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है। इनमें से केवल 3 महिलाएं ही अभी तक सामने आई हैं। पुलिस विभाग ने महिला IPS अधिकारियों को गिरफ्तारी का टास्क देकर प्रदेश की महिलाओं को निडर होकर सामने आने का संदेश दिया है। जिन 3 महिलाओं ने प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगाए हैं उसमें से एक उनकी 47 वर्षीय नौकरानी, दूसरी पीड़िता 44 वर्षीय पार्टी कार्यकर्ता है और तीसरी पीड़िता एक 60 वर्षीय महिला है। SIT अभी और पीड़िताओं के सामने आने की उम्मीद कर रहा है। गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया था, पर सवाल ये उठ रहा है कि वो वापस क्यों आ गया। दरअसल प्रज्वल पर भारत आने का दबाव था। पहला दबाव परिवार की तरफ से था। वजह यह थी कि एक पीड़िता के केस में प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं। यही नहीं, अपहरण वाले इस केस में प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना पर भी शक है, इसलिए उनसे पूछताछ होनी है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी तरह से HD देवेगौड़ा ने भी अपने पोते प्रज्वल को भारत लौटने और जांच में सहयोग करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर प्रज्वल भारत नहीं आया तो उसे उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दूसरा दबाव जांच एजेंसियों का था। SIT की टीम ने इस मामले को लेकर अपनी जांच का दायरा इंटरपोल तक बढ़ा लिया था। CBI की मदद से इंटरपोल के जरिए प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था। आज नहीं तो कल प्रज्वल की गिरफ्तारी होनी तय थी। परिवार और जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ा तो प्रज्वल रेवन्ना के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उसने भारत वापस लौटने से पहले एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने परिवार और राज्य के लोगों से माफी मांगते हुए समर्पण करने की बात कही थी। फिलहाल SIT की टीम को अपनी जांच में 50 से ज्यादा ऐसी महिलाओं की जानकारी मिली है जिनका यौन शोषण प्रज्वल ने किया है। इनमें दुष्कर्म के अलावा नौकरी का लालच देकर यौन शोषण करने के मामले भी हैं। SIT अब प्रज्वल का मेडिकल करवाने के साथ साथ उसकी आवाज का सैंपल भी लेगी। प्रज्वल की आवाज का मिलान पेन ड्राइव से मिले वीडियो से आ रही आवाजों से किया जाएगा। Z News.